दोस्तों बिग बॉस सीजन 16 के लाइव फीड में इस समय घर के अंदर यदि आप एमसी स्टेन की बातों को सुनेंगे तो आप भी उनके फैन बन जाएंगे। दरअसल दोस्तों एमसी स्टेन यहां पर अपने जो स्ट्रगल के दिन थे उनके बारे में घर के अंदर प्रियंका और टीना को बताते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पर प्रियंका ने स्टेन से पूछा कि तूने किस साल में अपनी रैपिंग का करियर स्टार्ट किया था, किस तरीके से तू क्या सोचकर ये सब कुछ शुरू किया था। जिसके बाद दोस्तों एमसी स्टेन ने जो खुलासा किया वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग है। दरअसल स्टेन ने बताया कि उनको रेप के बारे में कुछ आइडिया वगैरह नहीं था। साल 2016-17 की बात है, उस टाइम उनके बड़े भाई ने रेप की दुनिया दिखाई थी उनको और एक रेप का वीडियो उनको दिखाया था। उसके बाद में स्टेन को उस चीज़ का शौक लग गया, स्टेन ने भी ये चीज़ घर पर करना शुरू कर दिया और अपने लिरिक्स लिखना शुरू कर दिए। और दोस्तों उस दौरान एमसी स्टेन स्कूल में ही थे और उस साल वो फेल भी हो गए थे इस रैप के चक्कर में, लेकिन उन्होंने अपना म्यूजिक वीडियो भी निकाल दिया था। हालांकि स्टेन ने बताया कि उनके घर वालों को काफ़ी अजीब लगता था कि वो अजीब अजीब से कपड़े पहनकर घर से बाहर निकलते थे। अम्मी अब्बू पूछते रहते थे कि आखिर ये बंदे को हो क्या गया है, ये ऐसे कहाँ जाता रहता है और ये मुँह से क्या बड़बड़ाते हुए रहता है दिन भर। क्योंकि दोस्तों रेप उस समय किसी को समझ में नहीं आता था, एमसी स्टेन के अब्बू अम्मी को भी समझ में नहीं आता था कि आखिर ये माजरा क्या है, और वो भी काफ़ी कंफ्यूज रहते थे। वहीं उनके रिश्तेदार वगैरह भी काफ़ी ताने मारा करते थे, लेकिन एमसी स्टेन ने उन सभी को पूरी तरीके से इग्नोर किया और अपने करियर पर पूरी तरीके से फोकस किया और आज इसी के नतीजन वो इंडिया के इतने बड़े रैपर है। ये सुनने के बाद दोस्तों कहीं ना कहीं टीना और प्रियंका दोनों काफ़ी इंप्रेस हो गई और प्रियंका ने तो कह भी दिया कि यार तेरी एक बात मुझे काफ़ी अच्छी लगती है कि तू इतना बड़ा होने के बावजूद भी ना जमीन से जुड़ा हुआ है, वरना अर्चना को देख लो कुछ हासिल किया नहीं है जिंदगी में, लेकिन इसके बावजूद वो हवा में दिन भर उड़ती रहती है। अब यहाँ पर अपनी तारीफ सुनने के बाद स्टेन भी काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। फिलहाल दोस्तों आपको स्टेन की कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप भी एमसी स्टेन के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें।